दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक अपने परवान पर होती है। इस मौके पर 5 दिवसीय त्योहार धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज तक चलता है। इन दिनों अलवर के बाजारों में भी जमकर भीड़ उमड़ रही है। यहाँ छोटे छोटे दुकानदार पटरियों पर खिलौनों की दुकानों से लेकर दिए और देवी देवताओं के पोस्टर की दुकानों को सजाए बैठे हैं। पिछले कई सालों से यहाँ के बाजारों को व्यापार मंडल द्वारा सामूहिक रूप से सजाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते कुछ खास जगहों को ही सजाया गया है। वहीं अलवर के ऐतिहासिक स्थल घंटाघर को भामाशाह सीबा मसाला उद्योग द्वारा गोद लेकर आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिसे देखने वालों की भीड़ बाजार में आ रही है और घंटाघर के साथ अपनी सेल्फी ले रहे हैं। वहीं उद्योगपति बाबू झलानी ने बताया कि उन्होंने घंटाघर को गोद लेकर इसका जीर्णोद्धार कराया है। इसमें लाखों रुपए का खर्च कर इसका सौंदर्यकरण किया गया है। दिवाली को देखते हुए यहाँ स्पेशल डेकोरेशन भी कराई गई है। पहले तो 3-4 साल पहले से ही अब अच्छा लगने लग गया है। पहले बहुत गंदा लगता था ये घंटाघर, इसका पेंट वेंट होने के बाद में बहुत अच्छा होने लग गया है ये। अब सिवा वो वाले हैं जो मसाले वाले हैं, उनने बहुत गोद लेके बहुत अच्छा किया उन्होंने और बड़ी तरक्की। हाँ, घंटाघर अच्छा लगता है। सरपंच, मैं अपने शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसे कि आपके सभी को पता है, इस बार दीपावली कोरोना के कारण बहुत ही फीकी जा रही थी और इस बार सजावट के नाम पर जो हमारे संस्था है व्यापार संघ, उन्होंने भी इस बार इसको स्थगित किया। ना ही प्रशासनिक स्तर पर इस बार सजावट की कोई रूपरेखा तैयार की गई, तो हम लोगों को बड़ा असर रहा था कि अलवर में आखिर दीपावली कोरोना के कारण क्यों फीकी जा रही है। व्यापारी वर्ग भी बहुत असमंजस में था कि दीपावली पर अगर सजावट होती है तो घर से लोग निकलते हैं, और घर से लोग निकलेंगे तो परचेज भी करेंगे। तो हमने घंटाघर गोद लिया होता तो हमने भी सोचा कि हम घंटाघर को एक अच्छा रूप देकर, एक अच्छी सजावट देकर लोगों को अट्रैक्ट करें, और लोगों के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसमें देखा कि जैसे हमने कल रात को वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग उसको देखने आए, और देखने आते हैं तो नेचुरल की मार्केट में जाते हैं, वो कि सोचते चलो आए हैं मार्केट में तो कुछ परचेज कर लें। तो व्यापारी वर्ग भी बहुत खुश था। हमने घंटाघर क्षेत्र के आसपास के लोगों से बात करी कि आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ इससे, उसने कहा कि हम लोगों का मूवमेंट बढ़ा है और हमारी सेल काफ़ी अच्छी बढ़ी है इससे। तो हमने एक प्रयास किया है एक अच्छा कि लोगों को भी एक इंस्पायरेशन मिले कि जितने भी अलवर में गोद लिए हुए हैं, चुराए हुए या और हेरिटेज जगह हैं, उनको अगर अच्छा सजाएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा और लोग जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा सभी अलवर वासियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार घंटाघर को देखने अवश्य आएँ। हमने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की है, सारे आर्टिस्ट मतलब कलाकार जो भी उसको सजाने के लिए जो भी आइटम्स आए हैं वो हमने सब बाहर से मंगाए हैं, और अलवर को एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं।